विगत रात्रि बरेठ रोड स्थित सुभाष निकेतन वाली गली प्रेम ज्वेलर्स नामक आभूषण की दुकान पर चोरों ने धावा बोला। चोर उक्त दुकान की शटर तोड़कर अंदर घुसे, वहां रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी ले गए। दुकानों पर हुई चोरी की सूचना वहां निवास कर रहे आसपास के लोगों ने दुकान के मालिक सतीश पटवा को उस समय दी जब उन्होंने तड़के सुबह दुकान की शटर टूटी हुई देखी। दुकानदार सतीश ने अपनी दुकान पर हुई चोरी की घटना की सूचना शहर थाने में दी। सूचना पाकर सिटी थाना प्रभारी सुमित देसाई अपने थाने के दलबल के साथ तुरंत पहुंचकर मौके की तलाश ली और पंचनामा बनाकर टीम को जांच करने के आदेश दिए। ज्ञात हो कि कोरोना बीमारी और लॉकडाउन के चलते व्यापारी पहले से ही परेशान हैं। ऊपर से नगर में हो रही चोरियां नगरवासियों की नींद हराम कर रही है। रात में पुलिस की गश्ती भी ठीक से नहीं हो रही है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सुबह 9 बजे सूचना मिली है। जिससे सूचना मिली है, मैंने पहले पार्टी रवाना की, सब इंस्पेक्टर और भी अन्य कर्मचारी को। उसके बाद में अभी मैं आई हूँ और तस्दीक की है। आप बता रहे हैं चांदी का कुछ सामान गया है और सीसीटीवी फुटेज भी निकाले हैं, उसमें गाड़ी वगैरह दिख रही है और बाकी और भी कैमरे दिखवा रहे हैं। पूरी कोशिश करें जैसे ही नंबर वगैरह पता चलते हैं तो तस्दीक करके किया जाएगा। मैडम, देखने में आ रहा है नगर में चोरियों की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, खुलासे में प्रशासन की ओर से कोई खुलासा नहीं हो रहा अभी तक चोरियों का? बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं शहर के, कुछ कैमरे जो सही तरीके से दिख नहीं रहे उनको भी अभी सुधरवाने की कोशिश कर रहे हैं, सुधरवाएंगे उन्हें भी। और बाकी रास्ते भी प्रॉपर हो रही है, मैं खुद भी चेकिंग करती हूँ। और ये जो रात की घटना है वो 4 बजे के आसपास की है। क्या लगता है इस चोरी की जो फुटेज आपको मिले हुए हैं, फुटेज से सफलता प्राप्त हो सकती है? अब बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे, अभी इसका क्लियर नंबर नहीं आ रहा है। तो जिधर गाड़ी गई उधर नंबर दिखवा रहे हैं, उदयपुर और दूसरा इधर मंडी बामोरा तरफ अभी टीम भेजी है जो नंबर तक। व्यापार महासंघ में देखने को आ रहा है दिन पर दिन चोरियाँ बढ़ती जा रही है कई दुकानदारों को, पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन ने जो विगत विगत चोरियाँ हुई हैं उनका भी खुलासा नहीं हुआ। आज बहुत बड़ी चोरी हुई है सरापा व्यापारी के यहाँ। हमने अभी एसडीओ की बात से भी बात करी है और उनसे चर्चा की कि जल्दी से जल्दी चोरियों का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि नगर के व्यापारियों में जगत का माहौल है चोरियों से। दूसरी ओर रात्रि को पर्याप्त गश्त की व्यवस्था नहीं है। हम शीघ्र ही एसपी महोदय से भी इस दिशा में चर्चा करेंगे, रात्रि को गश्त बढ़ाई जाए और चोरियों पर शीघ्र नियंत्रण किया जाए, नहीं तो बासुरा के व्यापारी मजबूरी में आंदोलन के लिए बात होंगे। क्या लगता है अगर पुलिस की कार्रवाई क्या होगी? ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अपन देखते हैं। अभी तो उन्होंने तहकीकात की है और इसके शाम तक अपन उनसे चर्चा करेंगे और उनके परिणाम लेंगे कि आपने क्या किया। देखने में ये आ रहा है चोरों के इतने हौसले बुलंद है, शराबा व्यापारी की दुकान में चोरी, इसके पहले कई और दुकानदारों दिन दहाड़े गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। व्यापार महासंघ एकजुटता तो हमेशा रहता है, पर व्यापारी की मदद करने के लिए व्यापार आंदोलन क्या कुछ भी ऐसी बात क्यों नहीं करता? अभी तक ऐसा कुछ प्रकरण कुछ लोगों ने बताया भी नहीं है, संज्ञान में भी नहीं आया। जो संज्ञान में आता है उनके ऊपर व्यापार महासंघ तत्काल अधिकारियों से चर्चा करता है। हम देखा कई दिनों से बासुरा व्यापार महासंघ के द्वारा लगाए गए कैमरों के विषय में भी पुलिस प्रशासन से लगातार चर्चा कर रहे हैं उनको ठीक करवाने के लिए, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। अब अगर लेकिन ये अब अति हो गई है और अगर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।